इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टू प्लान डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम कुछ और टाइप्स की बात करेंगे जिसमें से एक है पॉलिसी पॉलिसीज आर द जर्नल गाइडलाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एम्प्लॉई के लिए डायरेक्शंस होती हैं एक गाइडेंस होती है जो ये बताती है कि उसको किस तरीके से कोई काम या टास्क जो है परफॉर्म करना है और एम्प्लॉय जितने भी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं पॉलिसीज फ्रेमिंग का काम किसका होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का चाहे टॉप लेवल है मिडल लेवल है या लोअर लेवल जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो पॉलिसी फ्रेम करने का काम करते हैं हर एक डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी हो सकती है तो एक तरह से पॉलिसी को फ्रेम करने का काम किसका है मैनेजर पॉलिसी टॉप लेवल पे भी बनती हैं पॉलिसी मिडल लेवल पे भी बनती हैं और पॉलिसी लोअर लेवल पे भी बनती है पॉलिसी जो है एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर देती है जिसके बाहर जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते मींस पॉलिसी ब्रेक करके आप कोई काम नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप पॉलिसी ब्रेक करते हैं तो उसके लिए आपको वार्निंग दी जाएगी आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से रेस्टिगेट किया जा सकता है या आपको निकाला जा सकता तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक बार पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड और प्री डिटर्माइन द वे ऑफ हैंडलिंग इस सिचुएशन पॉलिसी जो है हर लेवल पे बनाई जाती है जैसा कि मैंने अभी बात की थी और पॉलिसी जो है किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में पहले से ही हम सोच लेते हैं पॉलिसी एक्ट से जे गाइड टू टेक डिसीजन पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज पॉलिसी में इंक्लूड फ्रॉम हाउ मैनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज जैसे कि परचेज पॉलिसी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि उसे जो रॉ मेटेरियल परचेज करना है वो कितने सप्लायर से परचेज करना है यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लायर कितने हो सकते हैं वट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमंग द सप्लायर्स सप्लायर्स को चूज करने का क्राइटेरिया क्या है कि हम किससे गुड्स परचेज करें किससे ना करें वो भी एक पॉलिसी हो सकती है नो क्रेडिट सेल पॉलिसी मीन्स हम जो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो कैश में ही बेचेंगे क्रेडिट में नहीं बेचेंगे ऐसी पॉलिसी हो सकती है मेक और बाय पॉलिसी मीन्स कोई प्रोडक्ट हम बनाएं खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें या हम रेडीमेड खरीद कर प्रॉफिट कमाते हुए बेच दें ये भी एक पॉलिसी हो सकती है तो किसी भी टाइप की पॉलिसी हो सकती है परचेज से रिलेटेड सेल से रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज की फीचर क्या होती हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी जो होती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती हैं गाइड्स मैनेजर टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी मैनेजर को गाइड करती हैं स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सिस्टम एक तरीका होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन एक ब्रॉड पैरामीटर डिसाइड करती है एक बाउंड्री वॉल डिसाइड करती है जिसके अंदर रहकर ही आपको काम करना है पॉलिसी ब्रेक कर, कर आपको भी कोई भी काम नहीं करना है नाउ द नेक्स्ट प्लान इज प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स डिसाइड द सीक्वेंस और स्टेप्स ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क प्रोसीजर जो होता है वो किसी भी काम को करने के स्टेप्स बताता है कि कोई भी आपको काम करना है तो उस काम को पूरा करने के स्टेप्स क्या हैं या उन स्टेप्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या है फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन ए पर्टिकुलर स्कूल मान लीजिए एक स्कूल में एडमिशन लेने का जो सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस है किस तरीके से आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं वो एक क्या है प्रोसीजर है ऐसे ही मान लीजिए कि कस्टमर को आप क्रेडिट में गुड सेल करते हैं और कोई क्रेडिट क्रेडिटर जो है टाइम पर आपको पैसा पे नहीं करता अमाउंट पे नहीं करता है तो रिकवरी पॉलिसी क्या है आपकी कैसे उससे आप पैसा रिकवर करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा प्रोसीजर क्या होगा पॉलिसी जैसे हमने लास्ट डिस्कस की थी कि क्रेडिट नो क्रेडिट पॉलिसी की माल क्रेडिट में बेचना ही नहीं अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं और कोई डिफाल्टर हो जाता है और टाइम पर आपको पेमेंट नहीं करता है तो आप कैसे उससे रिकवरी करेंगे तो उसका भी अपना एक प्रोसेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिमाइंडर देंगे आप उसे बोलेंगे कि आपकी पेमेंट ड्यू है वो पेमेंट आपको कर दे उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करेगा आप टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट करेंगे उससे फ़ोन पे बातचीत करेंगे लेटर भेजेंगे उसके पास रिप्लाई नहीं करता है पेमेंट नहीं करता है तब आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे तो ये एक सीक्वेंस हुआ किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस ऐसा नहीं है कि किसी ने पेमेंट नहीं दी और डायरेक्ट जो है आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लें या कोर्ट केस कर दें तो हर एक काम को करने का अपने एक सिस्टम एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के जो स्टेप हैं यानी कि जो प्रोसीजर है वो क्या है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किसी भी काम को करने के स्टेप्स अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की

माइंड ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय के माइंड में डाउट ना रहे कि काम को कैसे किया जाना है There कैन be यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज जितने भी एम्प्लॉय संस्था में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके काम में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ने अलग तरीके से काम किया दूसरे ने अलग तरीके से काम किया एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के लिए गाइडेंस का काम करते हैं मेथड कि काम को करने का सही तरीका क्या है राइट right वे क्या है सिलेक्शन ऑफ प्रोपर मेथड सेव्स टाइम मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर हम सही मेथड का सिलेक्शन करते हैं तो उससे हमारे टाइम की भी सेविंग होगी मनी की भी सेविंग होगी और जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उस काम को पूरा करने के वो भी हमें कम करने पड़ेंगे और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मीन्स हम उस काम को उस टारगेट को टाइम पर पूरा कर पाएंगे और विथ मिनिमम कॉस्ट तो ये कुछ टाइप्स ऑफ प्लान थे बाकी रिमेनिंग प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो